Hello everyone, so today in this video we are going to do one description. So ये बहुत ज़्यादा important जो है वो practical है, ठीक है। ये forensic medicine के OSCE का एक station आता है, ठीक है, जिसमें पूछते हैं कि वॉन्ट की डिस्क्रिप्शन बताओ ना। वो कोई किसी टाइप का वॉन्ट भी हो सकता है, इंसाइज हो सकता है, लेसिरेशन हो सकती है, ब्रूजेज हो सकती है, एब्रेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन को बताने से पहले ना हमें कुछ स्टेप्स पता होना चाहिए, लाइक कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, उससे हमारे लिए डिस्क्रिप्शन बहुत आसान हो जाती है। सबसे पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ बताना होता है कि नंबर ऑफ वॉन्ट कितने हैं, ठीक है, एक है, दो है, तीन है, ठीक है। फिर नंबर जब हमें पता लग जाता है ना, तो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं शेप। शेप में हम देखते हैं लीनियर है, सर्कुलर है, क्रीसेंट है, एलिप्टिकल है, एब्रेडेड है, क्या शेप है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने टाइप देखनी होती कि एब्रेशन है, ब्रूजेस है, पंक्चर वॉन्ड है, इंसाइज्ड वॉन्ड है या फायर आर्म है, ठीक है, ये भी हमें पता लग गया। फिर इसके बाद हम एंगल देखते हैं कि एंगल में हमारे पास एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। अब साइज़ देखते हैं, साइज़ में हम लोग लेंथ मालूम करते हैं, देखो साइज़ में हम लोग लेंथ मालूम करते हैं और वेथ मालूम करते हैं ना, तो लेंथ और वेथ को हम लोग लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 cm - 2 cm - तो ये हमारे पास लेंथ और ये वेथ होगी, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद साइड बतानी होती है कि कहाँ पे है ना, फॉर एग्जांपल चेस्ट पे लगा हुआ था, हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, ठीक है। अच्छा, लोकेशन बतानी होती है एनाटॉमिकल पोजीशन के रेफरेंस से, ठीक है। ये मैं एक अभी मॉडल बता दूंगा, उससे बहुत इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर सराउंडिंग बतानी होती है कि सराउंडिंग में रेडनेस है, स्वेलिंग है, कॉलर ऑफ एब्रेशन वगैरह है, कोई टैटूइंग वगैरह है, ठीक है, ग्रीस वगैरह, ये बतानी होती है, ठीक है। फिर फॉरेन बॉडीज़ का बताना होता है एंड में, ठीक है, ये कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं प्रेजेंट, ये हो गया। इसके बाद हम लोग जो है ना एक वॉन्ट को, वॉन्ट की डिस्क्रिप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जैसे इस मॉडल में नज़र आ रहे हैं ना, कमर पे स्क्रैचेस के निशान नज़र आ रहे हैं ना, तो अब हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। हम कहेंगे कि अ सिंगल ग्रेज एबरेशन, ठीक है, अ सिंगल ग्रेज एबरेशन विद इररेगुलर मार्जिन। फिर इसके बाद इसका साइज़ जो है हम लोग इंच टेप लेंगे और उससे इसका साइज़ मालूम कर लेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है और इसकी वेथ कितनी है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी पोजीशन बताएंगे कि ये बैक ऑफ द चेस्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इसके एनाटॉमिकल रेफरेंसेस बताएंगे कि शोल्डर से कितना दूर है, नेक से कितना दूर है, ठीक है। फिर फॉरेन बॉडीज़ बताएंगे और एंड में हम लोग इसके सराउंडिंग बताएंगे कि रेडनेस है और स्वेलिंग है और हाइपरीमिक जोन।